रोजों के आयाम द सीजन ऑफ लेंट। मेरा नाम है मारिया नूर और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाए और जल्दी से जाके कर दें। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम रोजा कैसे रख सकते हैं और हम रोजा क्यों रखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको हम यीशु मसीह कहते हैं, खुदावंद का रूह उन्हें बियाबान में लेकर गया। बियाबान में उन्होंने 40 दिन तक ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया, मतलब कि 40 दिन तक उन्होंने एक रोज़ा रखा। अब मैं बात करूंगी कि हम रोज़ा कैसे रख सकते हैं। ऐसा रोज़ा रखने की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। रोज़ा जो है सुबह से लेकर शाम तक का होता है। सहरी करने का हमारे रोज़ों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता है कि अगर आप खा के रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो जो लोग रोज़ा रखते हैं, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आपको जो भी आप मकसद के लिए रख रहे हैं, आपके मकसद पूरे हों। लेकिन अगर आप रोज़ा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ रोज़ा दिखावे के लिए रखते हैं तो वो रोज़ा आपका कभी कबूल ही नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस मत्ती 6 उसकी 16-18 आयात में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। तो कोशिश करें जब आपने रोज़ा रखा हो तो आप वो काम करें जिससे आप खुदा के और नज़दीक हो जाएं। यकीनन हम दुआ करने से तो खुदा के नज़दीक होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कर सकें। नेकी इस तरह कि जब आप सुबह का नाश्ता नहीं कर पाए, जो आप दोपहर का खाना नहीं खा पाए, वो आप किसी भूखे को दे दें, या आपके पास अगर कोई फालतू कपड़े हैं तो वो आप किसी को दे दें, किसी गरीब को दे दें जिसके पास कपड़े ना हो। रोज़ा रखना मतलब खुदा के बहुत नज़दीक जाना। रोज़ा जो है वो किसी भी मकसद के लिए रखा जा सकता है, जॉब के लिए, माँ बाप की लंबी उम्र के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम रोज़ा तो रख लेते हैं, सुबह की प्रे तो कर लेते हैं, लेकिन पूरा दिन हम सो के गुजार देते हैं, तो वो रोज़ा आपका किसी काम का नहीं होगा। अच्छा जी, तो हमारे रोज़ों के बारे में बहुत सी बातें मैं सुनती हूँ कि क्रिश्चियन जो हैं वो रोज़ा ऐसे रखते हैं कि वो फ्रूट खा लेते हैं लेकिन जो पकी हुई चीज़ है, चूल्हे की पकी हुई चीज़, वो नहीं खाते। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ऐसे रोज़ा नहीं रखते हैं। हम भी सुबह से लेकर शाम तक का रोज़ा ही रखते हैं। तो जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, दूसरों के लिए प्रे करें कि जो लोग रोज़ा रखते हैं उनको खुदा और हिम्मत ताकत दे रोज़ा रखने की। तो बस ये मेरी वीडियो थी रोज़ों के अबाउट। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट में बताइएगा, कुछ बुरा लगा हो, कुछ समझ ना आया हो तो भी कमेंट में बताइएगा। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दवाओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।